नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये वीडियो गुजरात के बच्चा गैंग के सपोर्ट के लिए है। गुजरात के जो बच्चे हैं उनके जो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तार चौदसमा जी, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि हम जुलाई में एग्जाम लेना चाहते हैं। और उसके बाद बच्चों के हजारों मैसेज आ गए मेरे पास, भैया हमारी हेल्प करो, हमारे एग्जाम हो रहे हैं जुलाई में, हमारे एग्जाम लेना चाहते हैं। तो पहली बात तो एक बात सुन लीजिए दोस्तों, गुजरात के सारे बच्चे, अरे गुजरात वालों, अरे गुज्जू भाइयों बहनों, दोस्तों कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कानून के हिसाब से कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। मेरी बात सुन लो आप। दूसरी बात, कोई भी बोर्ड ये नहीं कह सकता कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। क्यों? कानून मना करता है, एग्जाम ना लेना कानून के खिलाफ, ओपनली नहीं बोल सकते। अच्छा आप एक बात तो मानोगे, बहुत सारे काम इंटरनली होते हैं लेकिन सामने से नहीं होते, ये तो आप मानोगे ना। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप पहले दिन घर बता दोगे मेरी गर्लफ्रेंड है पापा, मेरी गर्लफ्रेंड है, डंडा कहां जूता रहा मेरे, गर्लफ्रेंड बनाएगा, है ना। तो अभी जो स्थिति है उसमें तो सरकार को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम शिक्षा मंत्री जो नोटियाल, क्या नाम है इनका, पोखरियाल जी हैं, इनके हिसाब से एग्जाम लेंगे, जुलाई में एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा इनको ऐसा लग रहा है सारे सरकारों को कि जुलाई में कोरोना केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन WHO और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, जुलाई में बहुत खतरनाक आएगी। लेकिन फिर भी सरकार की हम बात को हल्के से नहीं ले सकते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये तो मैंने आपको हंसाने के लिए करा सब कुछ, जिससे आप हंसो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं और मैं आपको परेशान ही नहीं देख सकता बस। तो पहली बात तो आपको करनी पढ़ाई शुरू कर देनी है ताकि आप तैयारी कर पाओ उस चीज की, अगर एग्जाम होता है तो। दूसरी बात, जितने भी बच्चे CBSE के हैं वो गुजरात बोर्ड के बच्चों का साथ देंगे, जितने भी स्टेट के बच्चे हैं, चूंकि गुजरात बोर्ड और कर्नाटक बोर्ड ज्यादा मैं डेंजर में मानता हूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे गुजरात बोर्ड और कर्नाटक बोर्ड के लिए, खासकर गुजरात बोर्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि हम एग्जाम लेना चाहते हैं बोला उन्होंने, लेंगे नहीं। और हो सकता है वो डेट शीट भी लॉन्च करें, सब कुछ करें, लेकिन मैं वही कहता हूं, होत वही जो राम रची राखा, मुद्दे इलाज चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम ना हो पाए, जनरल प्रमोशन मिले, ओपन बुक टेस्ट हो, आपका पूरी कोशिश जान लगा देंगे गुजरात के बच्चों के लिए। अनुराग के क्लासेस का, एग्जाम जानकारी का और सारी ATC आर्मी का पूरा सपोर्ट है गुजरात के बच्चों के लिए। अरे गुजरात वालों, अपने आपको अकेला मत समझना दोस्तों, अकेला मत समझना। अभी अनुभा श्रीवास्तव मैम का एक ट्वीट था कि जनरल प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, तो मैंने एक वीडियो बनाई, बच्चे डर गए। लेकिन दोस्तों पॉसिबल तो कुछ भी है, इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं। सरकार चाहे अगर तो कानून चेंज करके जनरल प्रमोशन दे सकती है, लेकिन हाँ उस केस में भी उनको ओपन बुक टेस्ट तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कुछ करे आपको एकदम मार्कशीट, लो भाई घर पे रहना मार्कशीट ले लो, ऐसे नहीं। कुछ तो करेंगे, वो टेस्ट लेंगे या आपको कोई प्रोजेक्ट दे देंगे या ऑनलाइन कुछ दे देंगे आपको, या आपसे कहेंगे PPT बनाकर भेजो, कुछ तो करवाना पड़ेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट को बोल पाए सर इन्होंने ये किया, देखो हमने पास कर दिया इनका। कुछ करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे गुजरात बच्चों का साथ दो, गुजरात के बच्चे पढ़ाई शुरू करिए अपनी, डरिए मत, रिलैक्स रहिए। और एक बात लास्ट में, अगर एग्जाम हुए भी तुम्हारे, मान लेते हैं कोरोना केस, एग्जाम उसी केस में हो सकता है जब कोरोना खत्म हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। तो अगर होते भी हैं तो इस साल सबको पता है, सरकार को पता है कि भाई पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, लर्निंग गैप रहा। ये बात शिक्षा मंत्री खुद मान चुके हैं आदरणीय पोखरियाल जी की, लर्निंग गैप रहा है। तो इस बार पेपर बहुत ईजी आएंगे, जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी बहुत हैवी, सबको पास करने के आदेश दिए जाएंगे। हाँ मार्क्स ज्यादा उम्मीद मत रखना, जो टॉपर होता है वो तो होता ही है भाई, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनको एवरेज नंबर देकर पास किया जाएगा। इस साल सरकार की कोशिश रहेगी सबको पास कर दो, ठीक है, मॉडरेशन लगेगा भर भर के। इस बार मॉडरेशन का मतलब होता है जनरल रिजल्ट बनाना, पास करना सबको। सो थैंक यू वेरी मच गुजरात के बच्चों, आज से तुम्हारे लिए ट्वीट करना शुरू कर देता हूँ, पहले भी कर रहा था पर आज से ज्यादा हैवी। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है गुजरात के बच्चों का साथ दे और अपना भी साथ दे, हमारा भी साथ दे। लव यू ऑल।